सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर पलटते हुए नजर आ रहे हैं। ओपी राजभर अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। इस बीच निकाय चुनाव में प्रचार के दौरान अंबेडकर नगर पहुंचे ओपी राजभर ने फिर कुछ ऐसा कह दिया जिससे वो एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। ओम प्रकाश राजभर ने निकाय चुनाव में लोकसभा चुनाव को सेमीफाइनल मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव के बाद जो विपक्ष का गठबंधन बनेगा वो सेमीफाइनल होगा। इतना ही नहीं, ओम प्रकाश राजभर ने साफ साफ कह दिया है कि अगर महागठबंधन बन गया और नीतीश कुमार, मायावती, सोनिया गांधी और अखिलेश यादव एक मंच पर खड़े होंगे और मुझे बुलाएंगे तो मैं जरूर जाऊंगा। इस बात से साफ जाहिर होता है कि जो ओम प्रकाश राजभर बीजेपी की तारीफ करते नहीं थकते थे, वो आज महागठबंधन की ओर जाने का इशारा कर रहे हैं। बता दें कि 2017 का विधानसभा चुनाव ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी गठबंधन के साथ लड़ा था। वहीं 2022 में बीजेपी का साथ छोड़ वह अखिलेश यादव के साथ यूपी विधानसभा के चुनावी मैदान में उतरे थे। वहीं कुछ दिन पहले ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा था कि एक तरफ बीजेपी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में है और वो बेचारे अभी घर से बाहर निकलने में डर रहे हैं। लग रहा है कि उन्हें कहीं गर्मी न लग जाए। वह जानते हैं कि जब 13 नगर निगम थे, बीजेपी सत्ता में नहीं थी, तब भी वो नहीं जीत पाए। अब तो 17 नगर निगम है और बीजेपी सत्ता में भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रभात खबर, यूपी। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।